दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपस्टॉक्स एप्लीकेशन में होल्डिंग स्टॉक को सेल कैसे कर सकते हैं। अगर आपने अपस्टॉक्स डीमैट अकाउंट में स्टॉक को बाय करके रखा हुआ है, आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी कि आपने डिलीवरी में स्टॉक को बाय करके रखा हुआ है और अब आप प्रॉफिट में है और स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, और अगर आपको होल्डिंग स्टॉक को सेल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप स्टॉक को सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको होल्डिंग स्टॉक को सेल करके दिखाने वाला हूं और इसमें टीपिन क्या होता है, टीपिन की जरूरत क्यों पड़ती है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अपस्टॉक्स एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और इसमें 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन डालकर या फिंगरप्रिंट से अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। अपस्टॉक्स में लॉगिन करने पर आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपने जितने भी स्टॉक बाय कर रखे होंगे वो सभी स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में दिखाई देते हैं। आपको पोर्टफोलियो में जाना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, पोजीशंस और होल्डिंग्स। आप जो स्टॉक सेम डे में बाय या सेल करते हो तो वो स्टॉक आपको पोजीशन में दिखाई देता है, और अगर आप डिलीवरी में बाय किए गए स्टॉक को सेम डे में सेल ना करके उसे होल्ड कर लेते हो तो अगले दिन से ये स्टॉक आपको होल्डिंग्स में दिखाई देने लगता है। जब आप होल्डिंग स्टॉक को सेल करते हो तो उसके लिए आपको टीपिन की जरूरत होती है। आप बिना टीपिन के होल्ड किए गए किसी भी स्टॉक को सेल नहीं कर सकते हैं। टीपिन का मतलब होता है ट्रांजेक्शन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि ट्रांजेक्शन को ऑथराइज करने के लिए यूज होता है, और जो स्टॉक आप सेम डे बाय करके सेम डे में ही सेल कर देते हैं उसके लिए आपको टीपिन की आवश्यकता नहीं होती है। आप बिना टीपिन के सेम डे में बाय किए गए स्टॉक को सेल कर सकते हैं। मैं आपको होल्डिंग स्टॉक को सेल करके दिखा रहा हूं। यहां होल्डिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें एक स्टॉक पहले से बाय करके रखा हुआ है, मैं इसे सेल करके दिखाने वाला हूं। यहां पर आपके होल्डिंग स्टॉक्स की टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू शो होती है, यहां पर टोटल करंट वैल्यू शो होती है, और यहां पर टोटल रिटर्न्स और यहां टुडे रिटर्न्स शो होता है। आप जिस शेयर को सेल करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां स्टॉक की डिटेल्स हो जाएगी, आपके पास इस स्टॉक की कितनी क्वांटिटी है, आज कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, अब तक टोटल कितना रिटर्न मिला है, स्टॉक का एवरेज बाइंग प्राइस क्या है, आज की डेट में उसकी करंट वैल्यू कितनी है, और आपने टोटल कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ये सभी डिटेल आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यहां पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, बाय और सेल। आपको सेल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहां से आपको एक्सचेंज चूज करना है, आप कौन से एक्सचेंज पर स्टॉक सेल करना चाहते हैं, NSE या BSE, वो आप यहां से चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने NSE चूज किया है। इसके बाद इस तरह से स्टॉक ओपन हो जाएगा। यहां सबसे ऊपर स्टॉक का नाम दिखाई देगा, इसके नीचे स्टॉक एक्सचेंज दिए हैं, आप यहां से भी स्टॉक एक्सचेंज चूज कर सकते हैं। इसके सामने स्टॉक का करंट प्राइस दिया है। इसके बाद यहां से आपको रेगुलर चूज करना है, इसमें स्टॉक की क्वांटिटी डालेंगे, आप स्टॉक की कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं, आप यहां से स्टॉक की क्वांटिटी को घटा बढ़ा सकते हैं। मेरे पास इस स्टॉक की 15 क्वांटिटी है, मैं सभी क्वांटिटी सेल करना चाहता हूं। इसके बाद यहां से ऑर्डर टाइप चूज करेंगे, मार्केट या लिमिट। अगर आप अपना खुद का लिमिट प्राइस सेट करके स्टॉक सेल करना चाहते हैं, जैसे कि अभी ये 23.90 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि इसका प्राइस 24 रुपए तक ऊपर जा सकता है, तो आप यहां क्लिक करके इसमें 24 रुपए डाल देंगे। इसके बाद प्रोडक्ट में डिलीवरी चूज करेंगे और आप यहां क्लिक करके चार्जेस चेक कर सकते हैं, सेल ऑर्डर पर कौन कौन से चार्जेस लग रहे हैं। इसके बाद रिव्यू सेल ऑर्डर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको CDSL के पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको टीपिन के द्वारा सेल ऑर्डर को ऑथराइज करना होगा। अगर आपके पास टीपिन है तो आपको कंटिन्यू टू CDSL के ऊपर क्लिक करना है, और अगर आपके पास टीपिन नहीं है या आप टीपिन भूल गए हैं तो आपको जनरेट न्यू पिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 6 अंकों का टीपिन भेज दिया जाएगा। ये देखिए, SMS के द्वारा मेरे मोबाइल पर टीपिन आ गया है। चलिए मैं टीपिन डाल देता हूँ। टीपिन मिल जाने के बाद आपको कंटिन्यू टू CDSL इसके ऊपर क्लिक करना है।
आप इसमें टी पिन डालकर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड सेंड कर दिया जाएगा, जिसे इसमें डालकर वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आपका ऑथराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन अप्रूव। अब यहाँ से इस पेज को क्लोज कर देंगे और एक बार फिर से रिव्यू सेल ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑर्डर को सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आप ऑर्डर्स में जाकर चेक करोगे। ये देखिए, हमारा सेल ऑर्डर प्लेस हो गया है, जो कि अभी ओपन ऑर्डर में शो हो रहा है, क्योंकि मैंने ये सेल ऑर्डर अपना लिमिट प्राइस सेट करके लगाया है। जब तक स्टॉक का प्राइस मेरे लिमिट प्राइस को हिट नहीं करेगा, तब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा और ओपन ऑर्डर्स में ही शो होता रहेगा। जब स्टॉक का प्राइस मेरे लिमिट प्राइस को हिट कर जाएगा, इसके बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और क्लोज्ड ऑर्डर में शो होने लग जाएगा। अगर मार्केट क्लोज होने से पहले स्टॉक का प्राइस आपके लिमिट प्राइस को हिट नहीं किया, तो मार्केट क्लोज होने के बाद आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपका बैलेंस वापस से फंड बैलेंस में शो होने लग जाएगा। आप ओपन ऑर्डर को किसी भी समय एडिट कर सकते हैं। आपको ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ क्लिक करके ऑर्डर की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, कैंसिल और मॉडिफाई। आप यहाँ क्लिक करके जब चाहें ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं और ऑर्डर को एडिट करने के लिए आपको मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है। इस तरह से आपका ऑर्डर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से ऑर्डर की क्वांटिटी को घटा बढ़ा सकते हैं और यहाँ से ऑर्डर टाइप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं इसे मार्केट प्राइस पर ही सेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मार्केट ऑप्शन चूज करके मॉडिफाई ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑर्डर को सबमिट करेंगे। आपका ऑर्डर मॉडिफाई हो जाएगा और आप ऑर्डर्स में जाकर चेक करोगे, तो ये देखिए, हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है और अब ये क्लोज्ड ऑर्डर में शो होने लग गया है। आप ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके ऑर्डर की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ऑर्डर कंप्लीटेड, यू हैव सक्सेसफुली सोल्ड 15 शेयर्स। जो स्टॉक आपने सेल किया होगा, यहाँ उसका नाम दिया होगा। आप यहां क्लिक करके इसकी फुल डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप बिना किसी प्रॉब्लम के होल्डिंग स्टॉक को आसानी से सेल कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इसमें मेरी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड या स्टॉक को बाय करने या सेल करने की सलाह नहीं दी है। मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।